नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबर की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दबोह के हिन्नाई उमरी के समीप एक ट्रैक्टर पलट जाने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। जटाशंकर ढाबा के समीप की यह घटना बताई जा रही, जहां पर एक ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार होकर दबोह ट्राली खरीदने के लिए आ रहे थे कि तभी अचानक ट्रैक्टर पलट जाने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को दबोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। ग्राम तेंदुआ के रहने वाले लोग दमोह आ रहे थे, ट्राली खरीदने के लिए आ रहे थे। कृषि का काम इस समय काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जहां थ्रेसिंग चल रही है, फसल को घर ले जाया जा रहा है। वहीं लगातार किसानों के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली एवं थ्रेसरों को खरीदा जा रहा है। इसी बीच एक ये बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्राली खरीदने आ रहे लोग घटना का शिकार हो गए। ट्रैक्टर पलटने से घटना घटी है, घायलों का उपचार जारी है। घटना के संबंध में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। क्या हो गया? उनका एक्सीडेंट। कैसे हुआ? ट्रैक्टर पलट गया। कहाँ की घटना है जी? जी अपने ढाबा, कौन सा ढाबा? जटाधारी ढाबा है, उसके पीछे। कहाँ जा रहे थे जी लोग? ट्राली लेने के लिए आ रहे थे। आपका क्या नाम? बलराम सिंह। कौन है आप? हमारे सारे लोग बच्चे जी हैं। क्या नाम है आपका? हाँ भरत। इनका? उनका सुरंदना, उनका जितना, उनका अरविंदना, उनका सरदार सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तिंदुआ से आ रहे थे, ट्राली ले रहे फुटेरा को ट्रैक्टर ला थे। अरे तिंदुआ से आ रही रहे हाथ से ना? कैसे हुआ एक्सीडेंट? ट्रैक्टर पर आई का लती सामने मतलब साइड में बैठे। हमारा नाम गणपत सिंह है, हम मड़िया बुजुर्ग के रहने वाले हैं। हम उन्हें जा रहे थे दमोह ट्राली में जाकर ट्रैक्टर ले। तो हमारे बहने हुए, दो बहने हुए घायल हो गए। सरदार एक को भरत, एक को सुरेंद्र और एक को जीतू, एक को अरविंद। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सुन दो आपका। गणपत सिंह। किस जगह की घटना है? क्या है? झुन्ना उमरी की। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? पाँच। कौन सी चीज, किस चीज़ से घटना हुई है? ट्रैक्टर पलट गया। कैसे हुई है घटना? अपने आप ही है। मैं रूप। आप कौन हैं इनके? आप कौन हैं इनके? उनके हम बे सारे। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।